वेरिकोज़ वेन्स एंड स्पाइडर वेन्स। वेरिकोज़ रगें और स्पाइडर वेन्स मकड़ी रगें क्या हैं? लेटेस्ट नॉन थर्मल ट्रीटमेंट विदाउट सर्जरी। वेरिकोज रगों और मकड़ी रगों का बगैर ऑपरेशन और बगैर जलाए जदीद तरीन आसान इलाज। वेरिकोज रगें क्या हैं? वेरिकोज और मकड़ी रगों में क्या फर्क है? वेरिकोज रगों के सेहत पर असरात क्या हैं? क्या इनकी रोकथाम मुमकिन है? वेरिकोज रगों के इलाज मुआलजे क्या हैं? अमरीका में मुकीम पाकिस्तानी नजाद डॉक्टर इम्तियाज अहमद के मुताबिक वेरिकोज रगें सूजी हुई खून की रगें हैं जो जिल्द पर नीली या जामनी रंग के झुरमट के तौर पर नुमाया होती हैं, लेकिन अक्सर लोग शुरू में इनको जिस्म की आम सी तब्दीली या स्किन का मसला समझकर रद्द कर देते हैं। हालांकि कभी कभार मकड़ी रगें नुमाया तौर पर नजर आती हैं। वेरिकोज रगें जिल्द पर निकलती हैं और वाज़े तौर पर नजर आती हैं और ये बज़ाहिर तौसीशुदा गांठ और मुड़ी हुई रगें होती हैं। डॉक्टर इम्तियाज अहमद का कहना है कि मकड़ी रगें पतली और चिपटी लाइनों की तरह होती हैं। आमतौर पर बहुत से अफराद जो बहुत ज्यादा देर खड़े रहते हैं या बहुत ज्यादा चलते हैं, उनमें चाहे मर्द हों या खवातीन, किसी को भी हो सकती हैं, या फिर फैमिली हिस्ट्री यानी वालिदैन में होना बहुत अहम है। देखा जाए तो मर्दों के मुकाबले में खवातीन में वेरिकोज रगों और मकड़ी रगों की अलामत जाहिर होने का ज्यादा इम्कान होता है, क्योंकि खवातीन में अक्सर हमल के दौरान खून के हुज्जम और हार्मोन्स में इजाफा भी वेरिकोज रगों का बायस बनता है। खवातीन में हमल के बाद मोटापा आने पर जाहिर होती हैं और वेरिकोज रगें आमतौर पर 40 और 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में नमूदार होती हैं। मकड़ी रगों में तकलीफ नहीं होती, मगर वेरिकोज रगों में नुमाया होने के साथ साथ तकलीफ भी होती है और ये तकलीफ वक्त के साथ साथ बढ़ती जाती है। वेरिकोज रगें अक्सर नजर आने वाली रगों के साथ जाहिर होती हैं और सूजी हुई टांगें, टखने और पाओं के इर्द गिर्द बारीक रगें उभरना इस बीमारी की आम अलामत है। कुछ मरीजों का मुशाहिदा है कि उनके जूते छोटे या सख्त महसूस होते हैं, जबकि कुछ मरीज पैरों में सूजन और दर्द या तकलीफ होने का बताते हैं। डॉक्टर इम्तियाज अहमद कहते हैं कि अगर कभी कभी भी आपकी रगें उभर कर नुमाया हो जाती हैं, यानी आम तौर पे आपकी रगें नजर नहीं आती, और जब नजर आए तो रगों की वजह से आपकी टांगें गैर मामूली तौर पर भारी हो जाती हैं या आपके पांव बेहिसी का शिकार हो जाते हैं, तो यही वो वक्त है जब आपकी खून की गर्दिश नॉर्मल वेन्स की कमी की वजह से सुस्त हो जाती है। ऐसी सूरत हाल में तो आपको फौरी वेरिकोज वेन स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए, ताकि आपको अपनी बीमारी और इसके इलाज के बारे में राय मिल जाए और आप बर वक्त इलाज करवा लें। क्या इनकी रोकथाम मुमकिन है? डॉक्टर इम्तियाज अहमद के मुताबिक अगर वालिदैन में किसी एक को भी ये बीमारी है, आपको तकरीबन 50% इम्कानात होते हैं। अगर दोनों वालिदैन को वेरिकोज रगे हैं, आपको तकरीबन 98% इम्कानात होते हैं। डॉक्टर इम्तियाज अहमद के मुताबिक इस बीमारी को मुकम्मल तौर पर रोका नहीं जा सकता, लेकिन आप कोशिश से बीमारी की आमद में ताखीर कर सकते हैं। जो इकदामात आप उठा सकते हैं उनमें वर्जिश करना, जिस्मानी वजन को चेक में रखना और कंप्रेशन मोजे पहनना शामिल है। वेरिकोज और मकड़ी रगों में क्या फर्क है? डॉक्टर इम्तियाज अहमद के मुताबिक वेरिकोज रगें जिल्द से निकलती हैं और ये बज़ाहिर तौसीशुदा गांठ और मुड़ी हुई होती हैं, जबकि मकड़ी की रगें पतली चिपटी लाइनों की तरह नजर आती हैं। वाज़े तौर पर जाहिर होने के बावजूद दोनों की एक ही वजह हो सकती है। सतही मकड़ी रगों में तकलीफ नहीं होती, जबकि वेरिकोज रगें भारीपन, खारिश और दर्द का बायस बनती हैं। माया स्क्लेरोथेरेपी मकड़ी की रगों को गायब करने का सबसे आम इलाज है। वेरिकोज रगों के सेहत पर असरात क्या है? डॉक्टर इम्तियाज अहमद के मुताबिक अगर इलाज ना किया गया तो वेरिकोज रगें खराब हो जाती हैं, वो फट सकती हैं और खून बह सकता है, और ये जिल्द के अल्सर और खून जमने का बायस बनती हैं। वेरिकोज रगों के इलाज मुआलजे क्या हैं? डॉक्टर इम्तियाज अहमद के मुताबिक 90-95% या इससे भी ज्यादा वेरिकोज रगों के इलाज में कामयाबी की बेहतरीन शरह होती है, लेकिन सबसे मौजूं इलाज आपकी रगों की मिकदार और आपके खून के बहाव की तर्ज पर मुनहसर होता है। डॉक्टर इम्तियाज अहमद के मुताबिक वेरिकोज रगें या मकड़ी वाली रगें, यहाँ एक ही इलाज सबके लिए नहीं होता, इसके लिए मुतद्दद इकसाम के इलाज की ज़रूरत हो सकती है। इसकी मुकम्मल तशखीस के लिए रगों का एक मुकम्मल रंगीन अल्ट्रासाउंड करवाना बहुत ज़रूरी है। अमरीका में किया जाने वाला जदीद तरीन इलाज पाकिस्तान में डॉक्टर इम्तियाज अहमद कर रहे हैं। इस इलाज में मैकेनोकेमिकल एंडोवीनस एब्लेशन क्लैरिवीन इलाज यानी मोका एक नया और जदीद ऑप्शन है।
डॉक्टर इम्तियाज अहमद के मुताबिक एक छोटा सा कैथेटर जिसके आखिरी हिस्से में मेटल ब्लेड्स लगे होते हैं, इसको इंतहाई महारत से अल्ट्रासाउंड के जरिए वेरिकोज रग के अंदर डाला जाता है। एक मोटर के जरिए कैथेटर के ब्लेड को चलाया जाता है। एक स्क्लेरोन डिटर्जेंट किस्म का मवाद रग के अंदर डाला जाता है। ये प्रोसीजर 15 से 20 मिनट में मुकम्मल होता है। ये अमल रग को फौरन ही बंद कर देता है, जिससे फौरी तौर पर रिकवरी का अमल शुरू हो जाता है। वेनासील, ये भी एक जदीद तरीन इलाज है। डॉक्टर इम्तियाज अहमद के मुताबिक एक छोटा सा कैथेटर पहले वेरिकोज रग में दाखिल किया जाता है और फिर जदीद तरीन अल्ट्रासाउंड की रहनुमाई से वेरिकोज रग के अंदर पहुंचाया जाता है। जबकि इसे एक FDA अप्रूव्ड मेडिकल ग्रेड की चिपकने वाली चीज को फिर आहिस्ता आहिस्ता रग में दाखिल किया जाता है। ये प्रोसेस 30 से 40 मिनट लंबा होता है और इस तरह रग की लंबाई का इलाज मुकम्मल किया जाता है। इससे वेरिकोज रग फौरी तौर पर बंद हो जाती है। ये तरीका इलाज भी निहायत महफूज है और यकीनी तौर पर आपको इस इलाज के बाद कंप्रेशन मोजे पहनने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि इस इलाज से फौरी रिकवरी हो जाती है। स्क्लेरोथेरेपी, डॉक्टर इम्तियाज अहमद के मुताबिक मकड़ी रगें और छोटी वेरिकोज रगें माया स्क्लेरोथेरेपी इंजेक्शन से ठीक की जा सकती हैं। एक स्क्लोरेंट डिटर्जेंट किस्म का मवाद से रगों को बंद किया जाता है। बड़ी रगों को बंद करने के लिए फोम एजेंट के साथ स्क्लेरोथेरेपी की जा सकती है। इस तरीका इलाज में 10 से 15 मिनट लग सकते हैं। अगरचे बहुत से क्लिनिक इस अंदाज को नहीं अपनाते, क्योंकि झाग गैर मतवक्के तौर पर सफर कर सकता है और मरीजों को दिल के दौरे और स्ट्रोक का खतरा बढ़ाता है। खतरात, चोट, दाग, एलर्जिक रद्देअमल, जल्द की रंगत या सोजिश के बाद हाइपरपिगमेंटेशन सबसे आम जिम्नी असरात होते हैं और इसे खत्म होने में एक साल लग सकता है। गैर मामूली मामलात में ये मुस्तकिल हो सकता है। इलाज के बाद आमतौर पर नर्म वेरिकोज रगें सख्त गांठों में बदल जाएंगी। ये बिल्कुल नॉर्मल है। फिर वो सुकड़ने लगेंगी। स्क्लेरोसिस के अमल में 3 से 6 माह लगते हैं। लेकिन अगर आपकी आमतौर पर वेरिकोज रगें इलाज से पहले बहुत बड़ी होती हैं, तो इसमें ज्यादा वक्त भी लग सकता है। ये तमाम इलाज बगैर सर्जरी के हैं। इनमें ना तो कट लगाए जाते हैं और मरीजों को दौरान इलाज बेहोश नहीं किया जाता। अमरीका में बहुत से लोग इस जदीद तरीन इलाज से सेहतयाब हो रहे हैं। पाकिस्तान में डॉक्टर इम्तियाज अहमद को ये इलाज करने की इजाज़त है और डॉक्टर इम्तियाज अहमद पाकिस्तान में अमरीकी तर्ज इलाज ही अपनाते हैं, जो कि जदीद तरीन आलात से मुमकिन है। इसी वजह से डॉक्टर इम्तियाज अहमद ने पाकिस्तान में इलाज के लिए 2 अहम हस्पतालों का इंतखाब किया है, जिनमें लाहौर के हमीद लतीफ हस्पताल और कराची के OMI हस्पताल शामिल हैं। मुफ्त मशवरे के लिए आप अपनी वेरिकोज वेन का अल्ट्रासाउंड और दीगर रिपोर्ट्स व्हाट्सएप करें @0330-296-3300, 0331-2597-322 पर।